अजमेर में होली दहन के मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के निजाम गेट के पास दरगाह बाजार व्यापार मंडल की ओर से होलिका का दहन किया गया। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे, जिन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के बाद व्यापार संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में होली का दहन किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कौमी एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि त्यौहार हर्षोल्लास और उत्साहपूर्वक रंगों के साथ मनाया जाता है, साथ ही बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। अच्छाई के प्रतीक प्रहलाद जीवित रहता है और त्यौहार सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग रंग के माध्यम से इन्हें हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का दहन किया गया है और सभी को शुभकामनाएं भी दी गई है। इस मौके पर मिठाई का वितरण कर आम जनता को बधाइयां भी दी गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय जनता के कारण वह आज इस पद पर पहुंचे हैं, ऐसे में उनके साथ ही वह होली खेलते हैं और दुलंडी के दिन घर पर इसे लेकर विशेष आयोजन किया जाता है। अलग अलग स्थानों से आने वाले लोगों को और साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ वह होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज होली का महापर्व सारे देश भर के प्रत्येक कोने पे सनातन धर्म के समर्थक उसके अनुयायी इसको मना रहे हैं और उसमें प्रहलाद रूपी दहन के बाद सत्य वह विजयी होता है और होली का जो असत्य का प्रतीक है उसका पूरी तरह दहन होता है। धर्म के अधर्म पर विजय का प्रतीक है और साथ में कल सब लोग मिलकर के एक दूसरे को रंग भी लगाएंगे, खुशियाँ भी मनाएंगे, मिठाइयाँ भी खाएंगे, बांटेंगे, ताकि सबके जीवन में यह खुशियाँ भर दें और रंग रूपी नई ऊर्जा का संचारण हो और हम सब लोग मिलकर के ऊंच नीच सब भाव से ऊपर उठ करके एक सामाजिक समरसता का जो प्रतीक है त्यौहार है वह सबके जीवन में खुशियाँ लाता है, खुशियाँ लाए, स्मृति लाए, ताकि हम सब लोग मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं और ये खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और इसे सबके जीवन में मैं अपेक्षा करता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ, यह त्यौहार सबके जीवन में खुशियाँ भर दे और कल सब लोग एक दूसरे के घर जा कर के सामूहिक रूप से इंडिविजुअल जा कर के जो रंगों का त्यौहार उत्साहपूर्वक खेलेंगे, इसमें बच्चे बूढ़े महिलाएँ सभी सम्मिलित होती हैं। मैं समझ ये एक अद्भुत रंगों का त्यौहार जो वर्षों से अनादि वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं उसके प्रतीक में होली का दहन का भी कार्यक्रम करते हैं। आज दरगाह बाजार में ये पहला कार्यक्रम इन्होंने प्रतिवर्ष की तरह मनाया है। मैं समझ यहाँ के व्यापारियों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनोज सालवी, CEO टाटा पावर अजमेर। आप सभी अजमेर वासियों को टाटा पावर अजमेर प्रबंध की तरफ से होली के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि होली के पवित्र रंगों जैसे ही आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग सदा भरे रहे। होली के त्यौहार पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसलिए टाटा पावर प्रबंधन ने माकूल इंतजाम किए हैं। सभी जोनल टीमें फील्ड में पूरी उस्तादी के साथ मौजूद रहेगी। मैं और सभी वरिष्ठ अधिकारी बिजली की व्यवस्था पर देखरेख करेंगे। साथ ही एक अनुरोध, टाटा पावर से जुड़े रहते हुए आप सभी बिजली संबंधी सेवाओं के लिए TPADL के डिजिटल माध्यमों का जैसे व्हाट्सएप सेवा, मोबाइल ऐप, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था, इसका काफ़ी उपयोग करें। आप सभी को पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।